अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. और मैं तो अभी भी नहीं ठीक हूँ. मेरी हालत आप लोग देख ही सकते हो. आई एम सो डल, सो डल. मेरी स्किन भी डल हो गई और आई एम सो बैड इन कंडीशन. सो हाउ आर यू ऑल? मैं बहुत टाइम के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ. मतलब बहुत, तकरीबन 1 मंथ हो गया मैंने कोई शूट नहीं किया. और मैं, क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी बिल्कुल भी और मेरे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं थी. आज भी मैं ऐसे ही निकली हुई, मैंने शावर भी नहीं लिया हुआ है. इतने मुझे जुकाम और खांसी है. तो वैसे ही मुझे सुबह कह रहे थे शावर ना ले, शाम को ले लेना. तो आज मैं इनको ना लेकर आई हुई हूँ सुपरमार्केट मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी. लेकिन मेरी ये कैपेसिटी नहीं थी कि मैं कुछ खरीद के ना तो हाथ में उठा के लेके जा सकूँ. तो मैंने वैसे इनको कहा कि आप मुझे लेकर चले. मैं अभी स्टोर से निकली हूँ जस्ट हाफ डे करके. और मैंने बस इनको कहा मुझे ले चले और मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ, फिर हम गाड़ी में घर जाएंगे. लेट्स सी, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, चलते हैं. और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के सुपरमार्केट किस तरह होते हैं. अच्छा, बूट पे लिया है और कहते हैं मैं दोबारा उसी जगह पर रख के आ जाता हूँ. मैंने कहा है कि प्लीज आप ना इसे रखो कारों में. तो इस तरह बुरी बात ना, ऐसे जस्ट जोकिंग, ऐसा करना तो नहीं होता लेकिन जस्ट फॉर अ फन. और यहाँ मरकदोना सुपरमार्केट में मैं स्पेशली फ़िश लेने के लिए आई हुई थी क्योंकि इनकी फ़िश बहुत अच्छी होती है, फ्रेश होती है. और यहाँ की जो प्राइस है ना वो बहुत रिजनेबल है. और क्योंकि ये वाली प्राइस किसी जगह और नहीं मिलती, उसने मुझे मना किया, फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर सकी इस चीज़ का. फिर ये अपना मतलब मशीन कौन सी वाली? ये वाली, मुझे क्या पता. वसीम कितने का बिल बना? 500 यूरो. कैन यू बिलीव दिस? 500 यूरो का बिल बना है ये शॉपर का. किसका? 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 बहुत झूठ बोलते हैं ना वसीम. इतना इन्हें तकलीफ होती है ना, शॉपिंग करने जाओ बस खाने की चीज़ लेनी है फिर भी तकलीफ होनी है. 2 दिन पहले ना कार्निवल था इसलिए यहाँ पर डेकोरेशन हुई हुई है. ये फोटो वॉल बनाई हुई थी और यहाँ पे ये ना छोटी सी फैमिली का एक टेबल पे डिनर और किस तरह होता है ना उसका एक पोस्टर बनाया हुआ था. सो ये देखिए वसीम क्या कहते हैं, वो सुनिए. किसकी फैमिली है? You are so rude, Vaseem. You are so rude. Yeah. और मैं अब घर आ गई हूँ. सो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है. इट्स ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं. यस, इट्स 5 o'clock शाम के. सो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है. मैंने सुबह में फिर नाश्ता तो किया हुआ था और उसके बाद मैंने चिकन के 2 है ना 2 लेग पीस खाए हैं बिल्कुल छोटे छोटे से. और मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी. मैंने अपनी चांपे रख दी है एयर फ्रायर में. सो उसके बनने की राह देखते हैं. तब तक मैं ना मैंने अपने लिए एक
पेरा काट लिया है जिसे हम नाशपाती कहते हैं, तो पेरा काट लिया है मैं, वही खा लूँ तब तक जब तक वो 15-20 मिनट एयर फ्रायर में होती है। सो ये वाला अभी ख़त्म करूँ क्योंकि जब से मैं बीमार हुई हूँ मतलब बहुत टाइम हो गया, 15-20 दिन हो चुके हैं, सो आई एम नॉट वेल काफ़ी टाइम से, तब से मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है, बहुत ज़्यादा मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा, और बहुत मुश्किल से मैं है ना स्टोर भी जाती हूँ, हाफ डे करती हूँ, वसीम मुझे लेने आते छोड़ने आते दोनों करते हैं, क्योंकि मैं पहले तो बहुत ज़्यादा वॉक करके जाती थी लेकिन अब मुझसे वॉक भी नहीं होती और मुझे सांस भी चढ़ जाता है और मेरी कमर भी बहुत ज़्यादा पेन करती। सो मैंने अभी तो वॉक नहीं कर रही हूँ काफ़ी दिनों से। सो एंड देन हम घर आ गए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने ना अपनी चांपे निकाली है जो मैंने 2 दिन पहले मैरिनेट करने के लिए फ्रीजर में रख दी हुई थी। सो मेरा चांपे खाने का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था तो मैंने कहा मैं इसे मैरिनेट करने रख दी, जब दिल करेगा तो मैं इसे एयर फ्रायर में बना के खा लूँगी। सो ये देखे मैंने एयर फ्रायर में इसे लगा दिया 4 चांपे और बहुत मीठा होता है यहाँ पर, बहुत मीठा। एंड जस्ट लुक एट द टेक्सचर, इतनी प्यारी गोल्डन ब्राउन हो गई है और है ना अंदर से भी पक गई हुई है। और यहाँ पर मैंने वसीम के लिए चाय रख दी हुई थी और मैंने एक आलू को ग्रेटेड कर लिया था क्योंकि मेरे को आलू चिप्स भी खानी थी, मैंने इसे भी एयर फ्रायर में लगाना है और बाद में मैंने इसे खाना है, मैंने इसमें इसको ग्रेटेड किया है। और ये वाला मशीन जो है ना ग्रेटर मशीन, वो मैं इंडिया से लाई हुई थी, इसके साथ ना 5-6 ब्लेड्स आती है, उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी कि किस किस चीज़ में ना ये यूज़ होती है। और ये देखे माशाल्लाह मेरे चांपों का टेक्सचर कितना खूबसूरत आया है, तो मैंने इतना थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था वो भी सारा वापस आया, मतलब इट्स अ बेस्ट। और ये देखे ये जली नहीं है, अच्छी सी ब्राउन हुई है, हम देखते हैं वसीम का क्या रिएक्शन है इस पर। वसीम कैसी हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बनाऊँ अपने लिए और तुम ना खाओ? नहीं 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 थोड़ा सा चखना तो पड़ेगा ना, हैं क्या ख्याल है? माशाल्लाह देखो कितनी अच्छी आज मेरी चांपे हुई है, बहुत अच्छी हुई है। विल यू ट्राई चाय खत्म होने के बाद ना? और ये है मेरी हैंडमेड चिप्स फ्राई और ये है मेरी बाजार वाली चिप्स फ्राई, मतलब फ्राई मैंने की है एयर फ्रायर में लेकिन ये वो जो आती है ना फ्रेंच फ्राइज वो वाली, और उसके साथ ये मायोनेज़। अगर आप एक दफा एयर फ्रायर वाले अगर फ्राइज खा लो ना, उसे एयर फ्राई करके आप ऑयल में जो डिप हुए हुए फ्राइज होते हैं ना उसको भूल जाएंगे, सो क्रिस्पी और बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता और इतने ड्राई सो क्रिस्पी सही ब्राउन हो जाते हैं इसके अंदर, और जो खाने की मजा आती है ना मतलब गिल फ्री होके, एक जाहिर सी बात है कि आलू है तो उसका वो कार्ब्स है ही वो और उसमें स्टार्च भी है, लेकिन ये कि जो एक वो ऑयल वाला पार्ट वहाँ से जब रिमूव हो जाता है ना उसके बाद जो गिल फ्री होके खाने की मजा आती है ना वो किसी चीज़ में नहीं आती। तो इतने से मैं खा लूँ आई एम सेटिस्फाइड, और ये कि मुझे गिल्ट भी नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल्ड है और नथिंग एल्स। एक दफ़ा एयर फ्राई वाले ट्राई करना और फिर मुझे बताना कौन सा आपको बेस्ट लगता है। मैंने शावर भी ले लिया है और मैं फ्रेश हो गई हूँ, नमाज भी पढ़ ली मैंने और अब बैठी हूँ। अब मगरिब तो हो चुकी थी और मैंने शावर भी ले लिया है, सो ये तो कोई टाइम नहीं बनता था कि मैं अभी सर्द हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ ना मैं, अगर सुबह फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई या मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा हुआ तो वसीम ने फिर मुझे शावर लेने नहीं देना है तो फिर कल मेरा सुबह और शावर रह जाएगा, पर क्या कर सकते हैं, अभी मैंने ज़बरदस्ती वाला शावर ले लिया है क्योंकि ये टाइम नहीं है। अगर मैं इंडिया में होती ना तो मेरी अम्मी ने मुझे बिल्कुल भी नहाने नहीं देना था, नहीं शावर लेने देना था, बाल भी नहीं धोने लेने थे, तो अगर मैं इंडिया में होती तो कहते ये तो कोई टाइम है असर के बाद कौन नहाता है, मगरिब पे कौन नहाता है, मगरिब के बाद सोता कौन है एंड ऑल। सो छोटी छोटी बातें ऐसी याद आती हैं समटाइम्स, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं आई हूँ इतनी लेट, मैंने खाना खाया है थोड़ा बहुत इधर उधर का, चटाके खाए हैं और फिर दवाई खाई है, आधा घंटा लेटी, शावर लिया है, नमाज का भी टाइम हो गया, नमाज पढ़ ली ना ऑन फ्री, और फिर 7:15 हो गए हैं, 1.5 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर सोती हूँ, फिर 8:30 तक उठ के तो मैं खाना बनाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ
कीमा और शिमला मिर्च, आई लव इट। मुझे ना कैप्सिकम, जो बेबी कैप्सिकम आती है इतनी छोटी छोटी सी, बेबी कैप्सिकम और कीमे के साथ हम, मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। सो आज मैं चिकन के कीमे के साथ बना रही हूँ, बिकॉज बीफ हम लोग नहीं खाते हैं, बीफ हमने बिल्कुल बंद किया हुआ है मैंने और वसीम ने। तो मटन के कीमे का आज कोई इरादा नहीं था, क्योंकि कल ही मटन और गोश्त और भिंडी बनाई हुई थी मैंने। तो वसीम को ना यहाँ पे रह रहे के ना पाकिस्तानी डिशेज़ की बहुत आदत लग गई है, तो वैसे भिंडी हमारे यहाँ तो सिंपल जितनी बनती है ना इतनी ही अच्छी लगती है, और वही खाने में भी अच्छी लगती है, मुझे तो सिंपल अच्छी लगती है। लेकिन उनका ना बस रेस्टोरेंट में देख देख के, लोगों के साथ देख देख के मन बना हुआ था कि मैंने भिंडी गोश्त खाना है। सो मैंने ना कल ही बकरे का गोश्त और भिंडी बनाई थी, सो आज कीमे का कोई इरादा नहीं था कि मैं फिर कीमा लेके आऊँ। सो मैंने चिकन का कीमा ले लिया है, और फिर आज मैं कैप्सिकम और वो बनाती हूँ। तो अगर मुझे थोड़ा टाइम हुआ और कन्वीनियंट हुआ तो शूट कर दूँगी रेसिपी, अदरवाइज तो मैं डायरेक्ट उसका फुल लुक दिखाने वाली हूँ, ठीक है। सो मैं मॉइस्चराइजर लगा लूँ, आपसे फिर मिलती हूँ, बाय। यहाँ पर मैंने फिश को निकाल लिया है, इसके ऊपर नमक और अजवाइन डाल के इसको रख दिया है, क्योंकि नमक और अजवाइन डालने से जो इसकी जो स्मेल होती है ना वो निकल जाती है धोने से। और यहाँ पर मेरा कीमा बॉयल हो रही, यहाँ पर मेरी फ़िश धोकर तैयार हो गई है, और इधर अदर साइड में मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, फिश मसाला, कश्मीरी मिर्च, जीरा, नमक, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको पानी डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और ये देखिए मैंने ना अपने फ़िश को मसाला लगा दिया है, इतना अच्छे से इसके ऊपर कोटेड हो गया। अब मैं इसके ना दो दो तीन तीन पीस के अलग अलग पैकेट बना के इसे मैं फ्रोज़न कर दूँगी, और जब भी मेरा दिल करेगा तब मैं इसे निकाल के एक दो फ्राई करके तो हम लोग खा लेंगे, दैट्स इट। ये मैं तकरीबन 2 किलो लेकर आई हुई थी, सो उसमें से कुछ सफाई होगी तो मेरे ख्याल से ये अब 1.5 किलो जितनी बची हुई है। सो मैंने मसाला लगा दिया, इट्स अ सैल्मन, और सैल्मन्स में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ओमेगा 3, कैल्शियम और दूसरा फैटी एसिड्स, मतलब हेल्दी फैट्स, ये बहुत ज़्यादा है ना कंटेंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। सो इट्स बेस्ट एंड गुड फॉर हेल्थ। अगर आप डाइट पे हो, आप प्रेग्नेंट हो, और अगर आप बीमार हो तो इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, और आपको अच्छे से अच्छा इस पर प्रोटीन भी मिल जाता है, एंड इट्स ओमेगा 3, हाई इन ओमेगा 3, सो इट्स बेस्ट एंड गुड फॉर हेल्थ। सो और यहाँ पर मेरा बेबी कैप्सिकम और कीमे का सालन भी तैयार हो गया हुआ है, नीचे मैंने मसाला बना दिया हुआ था और ऊपर मैंने कैप्सिकम और कीमा है ना डाल दिया है, ऊपर से मैं ये कीमा मसाला डाल रही हूँ, और इसे हल्की आंच पे दम पे लगा दूँगी जब तक कि ये जो शिमला मिर्च है ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, एंड देन वी एंजॉय टिल देन। नाउ वसीम हैविंग माय लेफ्ट ओवर चांपे। कैसी ये बनी थी वसीम, कैसी बनी है? अच्छी है ना? मैंने छोड़ी थी सिर्फ आपके लिए कि खा के नहीं गए हो। और हियर वी आर, डिनर इज रेडी, और बहुत ही मज़े का ना कीमा और शिमला मिर्च बना था। सो टिल देन, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।